रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 8 ऑफ फिज़िक्स फॉर क्लास 10। तो यूनिट बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 13 है यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारी रह गई हैं, वो आज करते हैं। पेज नंबर 89 बुक ओपन करें, पेज 89 13.1। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम, कि कितने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 100 माइक्रोकूलम के इक्वल होगा। अज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल, तो वन नेगेटिव पार्टिकल पर जो चार्ज है या इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन फाइंड आउट करना है। चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 100 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 100 × 10⁻¹⁵ कूलम्स। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, वन पर जो चार्ज है पार्टिकल पर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज, एंड फाइंड आउट करना है क्यू ओवर ई। 100 क्यू की वैल्यू है 100 × 10⁻¹⁶ ओवर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹। कैलकुलेशन करेंगे तो एन आ जाएगा हमारे पास 6.25 × 10⁻¹⁴। इतने इलेक्ट्रॉन्स हों तो हमारे पास चार्ज कितना बनेगा, 100 माइक्रो कूलम। 13.2, टू पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 है 10 माइक्रो कूलम एंड Q2 है 5 माइक्रो कूलम, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स, तो कूलम्स लॉ यूज करेंगे, कूलम फोर्स फाइंड आउट करना है, इसमें कितने होंगे बिटवीन दैम। ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन, डायरेक्शन तो हमें पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना, क्योंकि पॉजिटिव है दोनों, सेम चार्ज जा रहे हैं। Q1 है 10 माइक्रो कूलम, इसको कूलम में चेंज करेंगे 10 × 10⁻¹⁶ कूलम। Q2 है 5 माइक्रो कूलम, कूलम में चेंज करेंगे 5 × 10⁻¹⁶ कूलम। डिस्टेंस आर है 150 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर। के कांस्टेंट वो है 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नाउ वी हैव द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट पेज, एफ इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दी 9 × 10⁻¹⁹ × 10⁻¹⁶ × 5 × 10⁻¹⁶ ओवर 0.5 स्क्वायर। कैलकुलेशन की तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 0.2 न्यूटन। डायरेक्शन रिपल्शन है, क्योंकि सेम चार्जेस में जो डायरेक्शन है वो रिपल्शन होती है। 13.3, द फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन की फोर्स है, मतलब के सेम चार्जेस हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव है दोनों सेम चार्जेस हैं, कितनी फोर्स है 0.8 न्यूटन। व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, डिस्टेंस उनमें है 0.1 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फोर्स गिवन है 0.8 न्यूटन, डिस्टेंस आर है 0.1 मीटर, Q1 और Q2 इक्वल हैं और इसको Q के इक्वल रख लेते हैं। K है 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। F is equal to K Q1 Q2 over R square is the formula. Now putting the values, F is 0.8 is equal to K 9 × 10⁻¹⁹ into Q1 or Q2 को Q से मल्टीप्लाई कर Q रेट लिख देंगे, Q into Q over R है 0.1 meter 1 square, सिंप्लीफाई किया तो Q का स्क्वायर आ रहा है ना, दोनों तरफ का रूट भी ले लेंगे तो Q हमारे पास आ जाएगा 9.4 × 10⁻¹⁶ कूलम, दोनों चार्जेस सेम वैल्यूज हैं। नेक्स्ट 13.5, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करेंगे ना, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जिसमें पोटेंशियल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 10 रेज टू पावर 4 वोल्ट है। इफ अ चार्ज ऑफ प्लस 100 माइक्रो कूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी से इसके करीब ला रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन ऑफ द टू द दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर लाने के लिए व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा कि उसको इन्फिनिट से इसके करीब लाने के लिए। वी है 10 रेज टू पावर 4 वोल्ट, क्यू चार्ज है कैपिटल या स्मॉल कोई भी लिख सकते हैं, प्लस 100 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम। तो फॉर्मूला V किसके इक्वल है, W ओवर Q, W फाइंड आउट करना ना वर्क डन, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी, वैल्यूज पुट की 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 इंटू 10 रेज टू पावर 4, तो W इज इक्वल टू 1 जूल आ जाएगा। तो वर्क डन कितना पड़ेगा इन्फिनिटी से लाने के लिए 1 जूल। नेक्स्ट है 3.8, सेम बेटा एक जैसे इतना जो फॉर्मूले तकरीबन आ रहे हैं सब में, मुश्किल नहीं है, इजी हैं। अ कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस है उसकी 0.03 कूलम ऑफ चार्ज वो स्टोर कर सकता है, व्हेन फुली चार्ज करते हैं बाय अ 6 वोल्ट बैटरी के साथ, हाउ मैनी वोल्टेज, अब कितने वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, कितने वोल्टेज बैटरी चाहिए फॉर इट होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज, अगर चार्ज 2 कूलम हो। तो सबसे पहले हम उसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लें, Q इज इक्वल टू 0.03, V है 6 वोल्ट, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं, Q इज इक्वल टू CV और C हो जाएगा Q ओवर V, C इज इक्वल टू 0.03 ओवर 6, तो कैपेसिटेंस आ जाएगी 0.005 फैरड। अब सेकंड पार्ट देखते हैं कि वोल्टेज फाइंड आउट करना है, इफ क्यू इज इक्वल टू 2 कूलम, कैपेसिटेंस है 0.005 फैरड, क्यू इज इक्वल टू सी वी, नाउ वी हैव टू फाइंड वोल्टेज टू स्टोर द 2 कूलम ऑफ चार्ज, वी इज इक्वल टू क्यू ओवर सी, वैल्यूज पुट की वी इज इक्वल टू 2 ओवर 0.005, वोल्टेज आ जाएगी 400 चाहिए। बेटा 9 एक ये देखें, ये सीरीज में है, एक सीरीज और पैरेलल, तो ये जो कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन है ना उसी के रिगार्डिंग है ये। 13.9, 2 कैपेसिटर्स हैं ऑफ कैपेसिटेंस उनकी क्या है 6 माइक्रो फैरड एंड 12 माइक्रो फैरड, और कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट किया है विद 12 वोल्ट बैटरी के साथ, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सी वन है 6 माइक्रो फैरड इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 फैरड, सी टू 12 माइक्रो फैरड इज इक्वल टू 12 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 फैरड, नाउ वोल्टेज वी इज इक्वल टू 10 वोल्ट, सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस, अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट होगा 1 ओवर सी ई, ये सॉरी सी ई नहीं है, ये है 1 ओवर सी ई, 1 ओवर सी ई इज इक्वल टू 1 ओवर सी वन प्लस 1 ओवर सी टू, तो 1 ओवर ये 1 ओवर आ रहा है, 1 ओवर सी ई आ जाएगा 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 12, नाउ 1 बाई सी अगेन 1 बाई सी ई आ जाएगा 2 प्लस 1 ओवर 3, 1 ओवर सी ई, 1 ओवर सी ई आ जाएगा 3 बाई 12 1 बाई 4, ये 1 बाई सी है बेटा, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ 1 बाई सी ई 1 बाई 4, रेसिप्रोकल लिया सी ई आ जाएगा 4 माइक्रो फैरड, 4 माइक्रो फैरड, इसको फैरड में चेंज करेंगे तो 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 फैरड। अब हमने फाइंड आउट करना चार्ज, सीरीज में चार्ज सेम होगा, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q के इक्वल है, Q इज इक्वल टू सी ई, टोटल चार्ज ना सी ई वी, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 और वोल्टेज है 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम, तो इसको लिख सकते हैं 48 माइक्रो कूलम, 10 रेज टू पावर माइनस 6 है माइक्रो।
ना वोल्टेज फाइंड आउट करना, वोल्टेज पता है दोनों के लिए डिफरेंस होगी सीरीज के लिए, वी वन होगा क्यू ओवर सी वन, क्यू है 48 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 और वी वन है 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, तो वोल्टेज आ जाएगी वी वन की 8 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट वी टू फाइंड आउट करना, वी टू है क्यू ओवर सी टू, सो वी टू इज इक्वल टू 48 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 over 12 into 10 raised to power minus 6. After cancellation we have V2 is 4 volt. तो बेटा आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ. अब आपका होमवर्क है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो सेम जो है मैंने आपके लिए छोड़ दी है वो है 13.4 है, 13.6, 13.7, 13.10. ये भी और जो मैंने आपको करवा दिए इनको बेटा आपने प्रैक्टिस करना है रजिस्टर में और अच्छी तरह इनको मेमोराइज़ करना है. ठीक है, तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.